तो अपन टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे। अपन 5 के अंदर अपन रेवलेशन, फेथ और रीज़न, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उन तीनों को पढ़ेंगे। देखिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्राइमरी रूप से रेवलेशन और फेथ को लेना है, और सेकेंडरी रूप से आपको हमेशा रीज़न को लेना है, ठीक है? क्योंकि जैसे कभी कभी होता है कि जैसे मैं कहूँ भगवान क्या है, अब अगर भगवान के लिए अगर आप तर्क बुद्धि का इस्तेमाल कर लोगे तो भगवान जो है खंडित हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा सेकेंडरी यूज़ करना है। अगर आपसे कोई पूछे भगवान क्या होता है, तो भाई सबसे पहले आपको फेथ रखना है उसके अंदर, उसके बाद जवाब देना है कि भगवान जो है वो एक वगैरह वगैरह जो भी आपको बोल रहा है, ठीक है? तो तर्क बुद्धि की अपन बात करते हैं। तर्क बुद्धि जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक विचार शक्ति होती है जो कि हमें रिलीजियस टेक्स्ट जैसे महाभारत और इन सबको समझने में मदद करती है। ये क्लेरिफिकेशन देती है, एक्सप्लेन करती है। ये हमारी अनुभूति जो होती है उसको भाषा में कन्वर्ट करने के काम आती है। ये रीज़न जो होता है ये हमारे अंधविश्वास को दूर करता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि सबसे पहले मेरे जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको सबसे पहले आप उस पर विचार करो, क्या वो सही है नहीं है, ठीक है? इसी तरह से कांत ने भी बोला है कि न्यूमिना और फिनोमिना, न्यूमिना का मतलब होता है प्योर रीज़न, फिनोमिना का मतलब प्रैक्टिकल रीज़न, ठीक है? तो प्योर रीज़न के आधार पर जो है आप धर्म को नहीं मान सकते, लेकिन प्रैक्टिकल के आधार पर आपको धर्म को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। तर्क बुद्धि जो है वो धर्म में सहायक है या नहीं? धर्म जो होता है वो आस्था पर आधारित होता है, तो तर्क बुद्धि इतनी मदद नहीं करती है। हालांकि कुछ लोग तर्क बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके लोगों को मिसगाइड करते हैं। शंकराचार्य ने बोला है कि व्यावहारिक रूप में आप जो है तर्क बुद्धि की मदद ले सकते हो, ठीक है, लेकिन लिमिटेड रूप में, वैसा नहीं कि पूरा पूरा। नेक्स्ट चलते हैं रिवेलेशन के ऊपर। रिवेलेशन का क्या मतलब है? रिवेलेशन का मतलब है कि कैथोलिक आपकी जो एनसाइक्लोपीडिया है और जॉन हिक है उसने बताया है कि शक्तियों का प्रकटीकरण, शक्तियों का प्रकटीकरण या इसको चमत्कार को भी कह सकते हो, चमत्कार को नमस्कार जैसे अपन कहते हैं वो होता ही है। अब ये क्या होता है कि जो जो चमत्कार है या रिवेलेशन है ये अपने आप प्रकट होता है, ठीक है? ये इसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आवश्यक नहीं है और संभव नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। तो इस तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन बाद में। रिवेलेशन या जो जो चमत्कार जो होता है वो बेसिकली आपको ग्रंथों, देवदूतों या फिर किसी संत महात्मा से, अवतार से पता चलता है, जैसे राम भगवान एंड ऑल। तो ये हमेशा भगवान से ही संबंधित होता है। रिवेलेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू दी भगवान, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीज़न और रिवेलेशन जो होता है या चमत्कार जो होता है, रीज़न की सहायता से आप क्लेरिफिकेशन ला सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। नॉलेज और फेथ, इन तीनों को आप जो है डेवलप कर सकते हो, रीज़न अगर आप के पास है तो, बुद्धि है थोड़ी बहुत तो। रिवेलेशन और श्रुति में क्या डिफरेंस होता है भाई? देखो, रिवेलेशन और श्रुति में ये डिफरेंस है कि जो श्रुति है बेसिकली वो भगवान और भगवान के बिना भी हो सकती है, लेकिन रिवेलेशन सिर्फ भगवान के साथ होता है, ठीक है? जैसे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने बोला है कि श्रुति जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट है, श्रुति से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है? न्याय ने बोला है कि जो वेद हैं वो एक्चुअली क्या है, वेद ग्रंथ जो हैं वो एक श्रुति होती है, और वेदों को जो भगवान ने लिखा है। सांख्य ने बोला है कि वेद को मानता है लेकिन भगवान ने उसको नहीं लिखा है, ध्यान रखना। सांख्य मीमांसा वेद को मानते हैं लेकिन भगवान ने उनको लिखा है ऐसा वो नहीं मानते हैं। आपको ध्यान में रहना चाहिए श्रुति क्या होती है। श्रुति इज ए कलेक्शन ऑफ योर फीलिंग्स और अनुभव का संग्रह होता है, जैसे वेद और ग्रंथ। अब चलते हैं फेथ। फेथ का क्या मतलब होता है? फेथ का मतलब होता है प्रमाणों के बिना स्वीकार। जैसे मम्मी पापा ने कुछ बोला कि भाई ये कर ले, तो मतलब आपको बिना किसी प्रमाण के करना है। माँ ने बोला है कि भाई दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, बिना किसी प्रमाण के मानना है। फेथ वर्सेस बिलीफ, इसमें क्या डिफरेंस होता है? फेथ जो होता है वो हृदय में होता है, अपरिवर्तन होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है? और उससे उसका उल्टा कर लो, फेथ जो होता है और रीज़न में क्या डिफरेंस है, या दोनों एक दूसरे के साथ हैं या विरोधी हैं? देखिए, अगर विरोधी तब होंगे जब आप फेथ को तो सेकेंडरी लेते हो, ठीक है? अगर ये सेकेंडरी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो फेथ को हमेशा पहले लेना है ताकि फेथ के माध्यम से आप लोगों को समझा सको, ठीक है? तो रीज़न जो होता है वो हमेशा का सेविका होगी अगर आप उसको सेकेंड नंबर पे लेते हो। तो एक्विनास और जो एगनस्टीन है इनका कहना है कि रीज़न जो है वो सेविका होती है। रीज़न जो होता है हमारा पाथ साफ करता है, अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करता है, ठीक है? एक पास्कल का दाव और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कि पास्कल ने बोला था कि भाई भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। देखो, अगर आप भगवान को मानते हो तो उसमें आपका लाभ है, तो आप दाव लगा दो भगवान के ऊपर कि यस भगवान इज देयर, तो इससे क्या होगा कि आपको लाभ ही लाभ होगा,
तो ये पास्कल का दावा है। तो कांत का जो है दो किताबें थी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्योर रीजन पे आप जो है भगवान को नहीं मान सकते और प्रैक्टिकल रीजन पे आपको भगवान मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है। तो आगे अपन चलते हैं टॉपिक 5 के अंग्रेजी वर्जन के अंदर। तो इसमें अपन पढ़ते हैं कि रिलीजियस नॉलेज कि अपन बात करें तो रिलीजियस नॉलेज जो हमें वो कैसे मिलता है। रिलीजियस नॉलेज हमें रीज़न या फिर रिवेलेशन से मिलता है या फिर फेथ से मिलेगा, अपन आगे देखते हैं। देखिए जो रिलीजियस नॉलेज होता है उसमें किसी भी प्रकार के फॉर्मल, फैक्चुअल या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होता है, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। जैसे ए जे अय्यर ने बोला है कि नॉलेज वो होता है जो जस्टिफाइड हो या फिर ट्रू हो। तो जस्टिफाइड का मतलब होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया हो, लेकिन ए जे एयर का मानना है कि जो रिलीजियस नॉलेज होता है उसी पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, इसलिए वो बेकार है। रीज़न की अपन बात करें तो रीज़न का मतलब क्या है, रीज़न जो होता है वो हमें नॉलेज देता है। क्या देता है? नॉलेज देता है। अब हमारे पास प्राइमरी सोर्स कौन से है नॉलेज के, जैसे हैं गीता और बाइबिल। अब इस पे आप रीज़न अप्लाई करो, इससे आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो रीज़न हमेशा सेकेंडरी लेना है आपको, ठीक है, प्राइमरी नहीं लेना है, तभी वो हमारी मदद करेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारी क्लेरिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग वगैरह में हमारी मदद करता है रीज़न, ठीक है। बुद्ध ने भी बोला था कि पहले रीज़न जो है उसका इस्तेमाल करो, जो भी मैं कह रहा हूँ ब्लाइंडली मेरे पे ट्रस्ट मत करो। अब इसका क्रिटिसिज्म ये आता है कि रिलीजन जो होता है वो फेथ पर निर्भर करता है, ठीक है, कभी भी रीज़न पे निर्भर नहीं करता। और मैंने पहले ही बताया कि इसको सेकेंडरी लेवल पे अगर आप यूज़ करोगे तो ये रिलीजन में मदद करेगा। शंकराचार्य ने बोला है कि रीज़न जो होता है लिमिटेशन होती है रीज़न की, आप उसको हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। और कांत ने भी बोला है कि प्रैक्टिकल रूप से अगर आप देखोगे तो रीज़न हमारी मदद नहीं करता है, हालांकि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल तो मदद करेगा लेकिन प्रैक्टिकल रूप से रीज़न हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। रिविलेशन का क्या मतलब होता है? चमत्कार, मैंने पहले ही बताया था। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो चीज़ हिडन है उसको लाइट में लेके आना है, ठीक है। और जो ये रिविलेशन होता है चमत्कार, इससे हमें डिवाइन डिवाइन का मतलब होता है भगवान के बारे में पता चलता है। रिविलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि ये इंट्यूटिव इंसाइट, यानी इंसाइट मतलब अंदर के मन में एक अचानक से सडन आया हुआ एक आवेग होता है, ठीक है। बर्नर ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि एक ऐसा नॉलेज जो हमें सडनली मिलता है और ये मिस्टीरियसली मतलब चमत्कारिक रूप से मिलता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिविलेशन कहते हैं। बाइबल जो है उसने बताया है कि भगवान जो है हिडन है, उपनिषद ने बताया है कि भगवान जो है वो अननोन है या अननोएबल है, ठीक है, और ये आपको ध्यान में होना चाहिए। गीता ने भी बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की हानि होती है तब मैं अपने आप को जन्म लेता हूँ। तो कुल मिला के सब ने बोला है कि ये जो रिविलेशन है ये मिस्टिक है, मतलब बिल्कुल छुपा हुआ, ये हिडन है, इसको आप जो है ऐसे जान नहीं सकते, इसको आपको महसूस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्शरी है, मतलब जिस चीज़ को आप मतलब बता नहीं सकते तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का क्या फ़ायदा। अब चलते हैं रिविलेशन और रीज़न में क्या डिफरेंस है। देखिए रीज़न जो होता है वो हमें क्लेरिफाई करता है, पर मैं इंटरप्रेटेड करता है कि भाई आखिरकार जो है, आखिरकार जैसे महाभारत में लिखा हुआ है कोई चीज़ है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये रीज़न हमारी मदद करता है, ठीक है। और जॉन लॉक की अपन बात करें तो रीज़न बिलीव नॉट कोइंसाइड एंड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, कहने का मतलब है कि रीज़न जो होता है वो बिलीफ का दोस्त होता है, ठीक है, ये ना तो कोइंसाइड करता है ना कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब ये रीज़न और बिलीफ दोनों दोस्त होते हैं, ऐसा लॉक का कहना है। अब लॉक ने ये भी बोला है कि रीज़न मस्ट बी आर लास्ट जज इन एवरीथिंग, तो रीज़न के माध्यम से आप जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं फेथ, फेथ का मतलब होता है टेनेट ऑफ रीज़न, यानी कि फेथ जो है वो एक्चुअली आप अगर फेथ नहीं होगा तो रीज़न भी नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। तो जितनी ज़्यादा आप में फेथ होगा, मतलब द ग्रेविटी ऑफ फेथ, जितना ज़्यादा आप में फेथ होगा उतना ज़्यादा आपका रिलीजन स्ट्रांग होगा। कांत ने बोला है कि भाई नॉलेज जो होता है उसको मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन फेथ को मैं नहीं छोड़ सकता, फेथ हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो ए जे एयर का स्टेटमेंट अपने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट चलते हैं नॉलेज कैन नॉट, इसको आगे चलते हैं कि फेथ और बिलीफ में क्या डिफरेंस होता है, ये अपने पढ़ ही लिया। फेथ जो होता है इमोशनल होता है, अनचेंजेबल होता है एंड ऑल।
फेथ और रीज़न के अंदर क्या डिफरेंस होता है, या फिर दोनों के बीच में कोई समानताएं हैं क्या? ठीक है, फेथ जो है उसको हमेशा आपको प्राइमरी लेवल पे लेना है, और रीज़न जो है उसको हमेशा सेकेंडरी लेवल पे लेना है, ठीक है, तभी वो आपस में दोस्त होंगे। तो अगस्टिन और जो ये एक्वानिश है, उसने बोला है कि रीज़न जो है वो स्लेव होता है फेथ का, रीज़न जो होता है वो धर्म की रक्षा करता है। इसके अलावा कांत और ये पास्कल ने भी बोला है कि हमेशा सेकेंडरी लेवल पे जो है आपको रीज़न को यूज़ करना है, तब वो आपका फेथ का दोस्त रहेगा। कांत ने भी बोला है कि जो आत्मा होती है उसको आप क्या है कि ना तो रिजेक्ट कर सकते हो ना एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आत्मा होती है वो एक फेथ का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसकी जो दो किताबें हैं उसमें प्रैक्टिकल रीज़न में उसने बोला है कि आत्मा वगैरह जो है होती हैं, प्योर रीज़न में उसने मना कर दिया था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ फिनिश, थैंक यू।